हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडेप्टेशन, वो कैसे करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हमारा पार्ट रह गया था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड्स। अब कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं, कल हमने फूड के बारे में पढ़ा था कि किस किस तरीके के होते हैं एनिमल्स जो कि फूड खाते हैं, दैट इज़ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो अब क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जो है दूसरे जानवरों पे ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको अपना खाना बनाते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उन्हें क्या हम बुलाते हैं, पैरासाइट्स बुलाते हैं। दे लिव विद इन और ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, बग्स, मॉस्किटोज एंड लीड्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम पैरासाइट्स। अब देखिए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरों की बॉडी के अंदर या रहते हैं या तो उनके ऊपर रहते हैं, जिससे जो है उन्हें अपना खाना मिलता है। अब जैसे जो है ये होगी हमारी जो जू होती है, या मच्छर हो गए छोटे छोटे, और लीड्स हो गई, ये जो है ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़ इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, सबके एनिमीज़ होते हैं। क्योंकि जंगल में क्या होता है, अब देखिए शेर होता है, वो तो जो है मांस खाने वाला होता है, तो वो किसी को भी खा सकता है, तो वो क्या है, वो सबका एनिमी है, क्योंकि वो किसी को भी खा सकता है, है ना। तो सब क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। सम एनिमल लाइक ग्रास हॉपर, कैमिलियन, गार्डन लिजर्ड एंड स्नेक डेवलप्ड स्पेशल अडेप्टेशन कॉल्ड कैमोफ्लेज। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि, अब जो है कुछ एनिमल हमने देखे होंगे क्या होते हैं, ग्रास हॉपर, जैसे टिड्डी हो गई हमारा, ये गिरगिट हो गया, है ना, और सांप हो गया। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो कि जो है चीज़ों के साथ रंग बदल लेते हैं। गिरगिट का तो हमें पता है, गिरगिट जो है रंग बदल लेता है अपना फटाफट से, जैसे भी रंग पे वो बैठेगा वैसा ही रंग अपना बदल लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। इसमें क्या होता है, जो भी जो है अपने आसपास की चीज़ होती है जिस पर वो बैठे होते हैं, उसके जैसे अपना रंग कर लेते हैं। अब जैसे गिरगिट होता है, अगर लाल चीज़ पे बैठा हुआ होता है तो अपना कलर लाल कर लेता है, अगर जो है वो हरी चीज़ पे बैठा हुआ होता है तो अपना कलर हरा कर लेता है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज हेल्प्स द एनिमल टू हाइड फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे। कैमोफ्लेज क्या करती है, ये प्रोसेस से क्या होता है, वो उन लोगों से भी बच जाते हैं जो उन्हें खाना चाहते हैं, और जब वो अपना शिकार खुद कर रहे होते हैं तो भी वो अपने आप को इस तरीके से छुपा लेते हैं और अपना शिकार करते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स चेंज देयर स्किन कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स। ये क्या करते हैं, ये अपने स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया गिरगिट कर लेता है, उसी तरीके से ये एनिमल्स भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सम एनिमल्स लाइक लियोपर्ड, टाइगर, ज़ेब्रा एंड जिराफ हैव स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी विच हेल्प देम टू मर्ज विद द सराउंडिंग्स। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स एंड प्रेज बोथ। अब देखिए क्या होता है कि अब हर एक के पास तो ये फैसिलिटी नहीं है हर एनिमल के पास कि वो अपना रंग बदल सके सराउंडिंग्स के साथ, ये तो कुछ ही एनिमल्स के पास होता है। तो जो और एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारा लियोपर्ड हो गया, या हमारा ज़ेब्रा, ज़िराफ़ हो गया, टाइगर हो गया, टाइगर देखा होगा ना आपने, उसकी जो है बॉडी पे लंबे 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 स्ट्राइप्स बने हुए होते हैं। देखिए जैसे ज़ेब्रा है, इसकी बॉडी पे कैसे स्ट्राइप से बने हुए हैं, स्ट्राइप माने लाइनें खींची हुई हैं, है ना। तो ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है ताकि जब ये घास में चल रहे हों तो घास में ये छुप जाएं, क्योंकि जंगल में तो बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, हमारे यहाँ तो छोटी छोटी सी होती है लेकिन जंगल में बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, तो उसमें ये छुप जाएं, अपने आसपास पेड़ों में ये जो है पेड़ों के जैसे बन जाएं, पेड़ों के जैसे छुप जाएं। तो उससे क्या होता है, झाड़ियों में ये दिखाई ना दें, क्योंकि काले सफ़ेद रंग के होते हैं और जो है झाड़ियों में छुप जाते हैं तो पता नहीं चलता है इनके बारे में। इससे क्या होता है, एक तो जो इन्हें खाना चाहते हैं
उनसे इनका बचाव हो जाता है। जब भी कोई शिकार के लिए इनके इनका आता है, जैसे शेर आया है या कोई भी आया है, तो वो उससे बच जाते हैं क्योंकि उन्हें वो दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो झाड़ी है या कुछ काली चीज़ है, ऐसे समथिंग, तो इससे वो बच जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं जो है, जब ये शिकार कर रहे होते हैं तब भी अपने आप को छुपा लेते हैं, झाड़ियों में छुपा लेते हैं, घास में छुपा लेते हैं, तो इनके बारे में पता नहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक अ ट्विंग ऑन ट्रीज और शर्ब्स व्हेन इट इज रेस्टिंग। इट हैज़ द सेम कलर, शेप एंड पोजिशन एज अ ट्विंग। अब देखिए, वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट इसको बोलते हैं, ये जो छोटा सा जो है कीड़ा है ना, इसको हम बोलते हैं वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट। वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट के बारे में बताया हुआ है। ये क्या करता है, ये एक टहनी की तरह नज़र आता है, बिल्कुल छोटी सी टहनी की तरह, ठीक है ये। और ये क्या करता है, ये अपने आप को या तो जो है टहनी की तरह छुपा लेता है, या झुग जो हमारी ये होती है ना घास की तरह आप कह सकते हो, इनमें इनकी तरह बना लेता है, बिल्कुल टहनी की तरह, या जो है ऊपर जो घास की छोटी 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 टहनियाँ बन जाती हैं, या फिर जो है घास पेड़ पौधे बन जाते हैं पेड़ के ऊपर, उनकी तरह बना लेता है। व्हेन इट इज़ रेस्टिंग, जब ये रेस्ट पोजीशन में होता है तो बिल्कुल टहनी की तरह लगता है। इट हैज़ द सेम कलर, शेप एंड पोजीशन एज अ ट्विंग। जैसा हमारी टहनी का कलर होता है वैसा ही बिल्कुल इसका कलर बन जाता है। सम एनिमल्स मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। अब जैसे आपने सुना ही होगा, कुछ एनिमल जैसे कि हमारा चीता होता है, चीता इतनी तेज़ भागता है, इतनी तेज़ भागता है कि उसके बराबर कोई भाग ही नहीं सकता। तो अगर कोई चीते का शिकार करने जाएगा तो फिर क्या होगा, चीता तो बहुत तेज़ चलता है तो फिर वो उसको शिकार नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डियर, ऑस्ट्रिच, EMU एंड स्नेक रन वेरी फास्ट। और भी कई सारे हमारे जो है प्राणी होते हैं, कोई कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत तेज़ रन करते हैं, जैसे कि डियर हो गया, या फिर हमारा स्नेक हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सब बहुत तेज़ रन करते हैं। इनके बराबर इनकी जल्दी इनके बराबर जो है कोई रन नहीं कर पाता है, तो ये भाग करके अपने आप को बचा सकते हैं। एनिमल्स लाइक क्रैब्स, टॉर्टोइज एंड स्नेल्स हैव शेल्स एंड पॉर्क्यूपाइन हैज स्पाइंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। अब कुछ जैसे आपने टर्टल देखा होगा, टॉर्टोइज देखा होगा, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर का जो शेल होता है उसके अंदर चले जाते हैं, और वो शेल जो होता है वो किसी से टूटता ही नहीं है। कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर होता है, वो उस पर हाथ पैर मारता रहे वो उससे नहीं टूटता है। तो क्या होता है, फिर वो उनको, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कुछ जो है जैसे पॉर्क्यूपाइन होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस मतलब लाइनें, जैसे हड्डियाँ ऐसी होती हैं उसकी, जिससे जो है वो अपने आप को अपने एनिमी से बचा लेता है, अपने दुश्मनों से बचा लेता है। सम पॉइजनस एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड एंड स्कॉर्पियन हैव पॉइजनस वेनम टू किल देयर एनिमीज। अब कुछ जो है जानवर ऐसे होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें पता है सांप होता है, अगर सांप को कोई कुछ करने जाता है तो वो क्या करता है, उसको काट खाता है, उसको डंक मार देगा, ठीक है। तो क्या होगा, सांप का जो, जब सांप किसी को काट लेता है तो क्या होता है, उसका जहर उसके अंदर चला जाता है और वो इंसान मर जाता है। उसी तरीके से छिपकली हो गई या स्कॉर्पियन हो गया, इनके पास क्या होता है, इनके पास जहर होता है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को काट लेते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर जहर चला जाता है और वो इंसान मर जाता है। ओके बच्चों, तो अब क्या है, हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया है, लेसन नंबर 4, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और तो आप मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे की वीडियोस अपने आप मिल जाए। ओके बच्चों।